तो जैसे कि ये हमारी चैप्टर की लास्ट क्लास है, so I want कि एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगा दो क्यों? क्योंकि मुझे पता तो चले कि कितने बच्चे सिंसियरली मेरे साथ साथ क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज ऐसे बच्चों के लिए आई अनाउंसमेंट वो ये है कि अब से हर संडे हम एक क्यू एन ए सेशन करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें आपको आपकी ऑडिट मॉड्यूल के थियोरिटिकल क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिलेंगे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मूव फर्दर विद क्लास रिलेटेड पार्टीज ऐसे पांच सौ पचास फाइव फिफ्टी स्कोप ऑफ दिस ऐसे ऐसे फाइव फिफ्टी रिलेटेड पार्टीज डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप्स जब वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा हो क्यों क्योंकि ये बेसिकली अप्लाई करता है इन रिलेशन टू रोमम एसोसिएटेड विथ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स बहुत सी फॉर्म्स क्या करती है ना जैसे एक्स वाई जेड कंपनी है अब इसकी तीन सब्सिडियरीज है एक्स है वाई है जेड है इनको अपना ईयर के एंड पे टारगेट मेट करना है जिसके लिए इनको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट इस बार नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेंगे अपना जो भी यहाँ का स्टॉक है इनको बेच देंगे और इनसे पैसे ले लेंगे अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऑडिट करने जाओ तो आपको क्या लगेगा कि जो एक्स है और वाई है इसने अपना टारगेट मेट कर लिया और इसका प्रॉफिट भी बढ़ गया जो कि पहले शायद वन सी होता इसने यहाँ पर सामान बेच के उसको बना दिया टू सी वहीं आपको इनका स्टॉक बढ़ता दिखेगा एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे बट इनका स्टॉक भी बढ़ता दिखेगा जिससे आप ये प्रोजेक्ट करोगे कि आगे जाके इनका प्रॉफिट बढ़ेगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ना अब आप आपके पास आज दस लाख का सामान है आप उसको बेच रहे हो सामने टेन परसेंट के प्रॉफिट में भी आपको कल को ग्यारह लाख आप बना लोगे तो आप आज आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है इससे आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में आप कितना बना सकते हो उससे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की वजह से इस तरह के मिस स्टेटमेंट अकर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं इस वजह से यहाँ पे आता है हमारा ऐसे पाँच सौ पचास अब रिलेटेड पार्टी में हम कंसिडर किसको किसको करेंगे वो पार्टी जो या तो रिलेटेड पार्टी है एस पर एप्लीकेबल एफआरएफ अब ये हर फॉर्म का एक एफआरएफ अलग होता है मतलब हर काइंड ऑफ इंडस्ट्री का बट अगर बेसिक जनरल लेके कुछ चीज़ों को समझना तो एफ़ आर एफ के अकॉर्डिंग जैसे कोई आपका फैमिली मेम्बर है क्लोज फैमिली पर्सन है या जिसके पास आपके बिज़नेस का कंट्रोल है या जो बिज़नेस के की मैनेजमेंट पर्सनल्स होते हैं ये सब और जहाँ पे एप्लीकेबल एफ़ आर एफ़ के बेसिस पे तो या तो बहुत मिनिमल रिलेशनशिप है या तो है ही नहीं अब ये जो है ना ये एकदम डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है बट फिर भी कही कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है अब जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी है उनका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ ना वहीं किसी इंसान का या किसी एंटिटी का उस पर्टिकुलर फॉर्म में कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब डायरेक्टली हुआ तो मिनिमल हो सकता है रिलेशनशिप प्रेजेंट हो इनडायरेक्टली में भी अब डिपेंड करता है दस लोग दो, दो 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 परसेंट लेके बीस परसेंट कैरी कर रहे हैं तो उसको तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं बोल देंगे ना रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कोई ऐसी एंटिटी जिस पे रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अभी हमने क्या समझा जो एक्स वाई जेड थी अभी कोई इस पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा था फर्स्ट पॉइंट में सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं अगर एक्स वाई जेड किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है तो तो यहाँ पे भी एक मिनिमल लेवल ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप माना जाएगा चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो या ऐसी एंटिटी जो कॉमन कंट्रोल में आती है विद रिपोर्टिंग एंटिटी अब कॉमन कंट्रोल में कैसे आएगी ओनरशिप मिस्टर एक्स एक्स वाई जेड के भी ओनर है और ये ए बी सी के भी ओनर है तो ये दोनों पार्टीज रिलेटेड हुई चाहे बहुत मिनिमल लेवल पे हुई बट फिर भी ये दोनों पार्टीज भी एक दूसरे से रिलेटेड मानी जाएंगी ओनर्स वो आर क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स अब मिस्टर एक्स एक्स वाई जेड के ओनर हैं और इन्हीं की वाइफ मिसज एक्स ए बी सी की दोनों फर्म के ओनर्स अलग हैं बट या इनके बीच में क्लोज फैमिली रिलेशन है हाँ है तो यहाँ पे भी एक मिनिमल लेवल ऑफ आप रिलेशनशिप कंसिडर करोगे कॉमन की मैनेजमेंट दोनों फर्म का सी ई ओ एक ही है बट ऐसी कंपनीज जो कॉमन कंट्रोल में है किसी स्टेट के जैसे कि कोई नेशनल रीजनल या लोकल गवर्नमेंट है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है तो आप उससे रिलेटेड पार्टी नहीं मानोगे अनलेस जब तक उन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होता नहीं दिखेगा नाउ वाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन रेफरेंस टू रिलेटेड पार्टी जो हम लॉ में पढ़ते हैं ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का मतलब ऑलमोस्ट वही है बस यहाँ पे कोई पर्टिकुलर परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया है कंट्रोल एक वो पावर है जो आपको मिलती है टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी ताकि आपको उनसे बेनिफिट्स हो एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो पावर है जो आपको मिलती है टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कंट्रोल नहीं कर सकते इन पॉलिसीज को अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हो कंट्रोल नहीं तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और जब आप गवर्न कर सकते हो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज को तो वो कंट्रोल है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स है या किसी दूसरे तरह के फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जैसे डेट लिया हुआ है या डेट दिया है अब फर्स्ट पॉइंट पे आउटसाइडर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्विटी होल्ड कर रहे थे आपकी एनटी के अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपकी एनटीटी होल्ड कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी किसी दूसरे एन का या उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे बींग अ पार्ट ऑफ टी और की मैनेजमेंट यानी कि वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ की बींग अ क्लोज़ फैमिली मेम्बर ऑफ एनी पर्सन अभी ऊपर जो तीन पॉइंट पड़े तीनों में से कोई भी पॉइंट हो उनका अगर क्लोज़ फैमिली मेम्बर है तो वो भी रिलेटेड पार्टी में आएगा दैट इज़ वो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आएगा हैविंग अ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विथ ऊपर जो भी तीन पॉइंट्स दिए उनमें से किसी के भी साथ दैट इज़ बेसिकली टी सी डब्ल्यू जी अब मान लो एक्स वाई जेड की कंपनी में एम्प्लॉई है उनका सी है मिस्टर ए क्या मिस्टर ए का यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब प्रॉपर इक्विटी होल्डिंग हुई कुछ हुई नहीं बट फिर भी इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अब जो इसकी वाइफ है वो भी उसका भी कंसिडर किया जाएगा कि वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैरी करती है या उसका यहाँ पे कंट्रोल है या मिस्टर ए है उन पी क्यू आर फॉर्म के साथ बहुत अच्छी बनती है तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे फ्रॉड हो जाए पहले एक्स वाई जेड ए को कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है ए पी क्यू आर को कर रहा है फिर पी क्यू आर एक्स वाई जेड को कर रहा है ऐसे घुमा फिरा के ना यहाँ पे रोमा होने की चांसेस होती है आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है इन रिलेटेड पार्टी इन रेफरेंस टू रिलेटेड पार्टी फॉर ऑडिट अभी हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अब डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जो रिलेटेड पार्टी ना कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जमा के रख पाती है ना किसी फॉर्म पे वो कहीं ना कहीं उस पोजीशन में भी होती है कि आगे चल के वो डोमिनेट इन्फ्लुएंस भी एक्जर्ट कर ले ओवर द एन या उसकी मैनेजमेंट और इस बिहेवियर को कंसिडर करना रेलिवेंट होगा हमारे लिए जब हम आइडेंटिफाई और असेस कर रहे हैं रोमम ड्यू टू फ्रॉड हर बार ड्यू टू फ्रॉड और एरर बोलता है यहाँ सिर्फ फ्रॉड बोला क्योंकि रिलेटेड पार्टी के केस में ना एरर होना मतलब तो ऐसा सच पॉसिबल नहीं है दो पार्टीज के बीच में एरर होना दो पार्टीज के बीच में फ्रॉड होता है एरर कब होता है आपने किसी को सामान बेचा आपने गलत अमाउंट लिख दी गलती से वहाँ एरर हो सकता है अब आपने जो गलत अमाउंट लिखी सामने वाला भी वही गलत अमाउंट लिख रहा है ये एरर होगा नहीं आई होप यू ओला क्लियर विद दिस कुछ सामस्टांसिस ऐसी होती है ना जहाँ पे कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी की तुम्हारी एंटिटी से रिलेटेड पार्टी कहला सकती है क्योंकि आपका एक सब्सटेंस कंट्रोल है उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर चाहे आप उसकी बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं इक्विटी होल्ड करते हो या तो आप होल्ड ही नहीं करते हो या बहुत कम इक्विटी होल्ड करते हो फिर भी आपका उसके ऊपर एक सब्सटेंस कंट्रोल है दैट इज़ कोई भी एक एंटिटी है आपका उसके ऊपर एक सब्सटेंस कंट्रोल है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बन रही है तो उसे हम बोलते हैं इस एंटिटी को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी नेचर ऑफ़ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस बहुत सी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है और ऐसी सरकमस्टांसिस पे वहाँ पे जनरली कोई हाइयर लेवल ऑफ रोमम नहीं होता देन सिमिलर ट्रांजेक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी मतलब आप एक अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हो और वहीं अपनी रिलेटेड पार्टी को सामान बेच रहे हो ये आपका एकदम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है कुछ यहाँ पे आपने तिगड़मबाजी नहीं लगाई है ऐसे सर्कमस्टांसिस पे दोनों के बीच में जो रोमम होने की चांसेस होती है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रोमम हाइयर होगा बट यहाँ पे क्या लिखा है इन सम समस्टांस इन सच सर्कम्स्टांसिस बहुत रेयरली ऐसी सरकमस्टांसिस देखने मिलती है हाउ कुछ रिलेटेड पार्टी का नेचर ऐसा होता है उनके रिलेशनशिप का उनके ट्रांजेक्शन का नेचर जो राइस दे सकता है हाइयर रोमम को एज़ कम्पेयर टू ट्रांजेक्शन विद अन रिलेटेड पार्टी अगर इस अन रिलेटेड पार्टी के साथ इनका रोमम थोड़ा बहुत है तो यहाँ पे इनका रोमम बहुत हाई होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिलेटेड पार्टीज ऐसी हो सकती हैं जो ऑपरेट कर रही हूँ थ्रू कोई एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप या स्ट्रक्चर मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन जो समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इन्फॉमेसन सिस्टम उनका इफेक्टिव नहीं है इनअफेटिव है आइडेंटिफाई या समराइज़ नहीं कर पा रहा ट्रांजेक्शन और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को बिटवीन एंटिटी एंड इट्स रिलेटेड पार्टी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये जो ट्रांजेक्शन है हो सकता है ये कंडक्ट ना किए जा रहे हो अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स और कंडीशनस फॉर एग्जाम्पल कोई कंसिड्रेशन ही नहीं लिया जा रहा आपको बस अपना स्टॉक क्लियर करना था इसलिए आपने अपनी दूसरी ब्रांच में स्टॉक भेज दिया दूसरी कंपनी में तो यहाँ पे आपका टारगेट मीट हो गया श्योर है बट ये एक्चुअल में आपका टारगेट मीट हुआ है आपने इसके अगेंस्ट पर तो यहाँ से कोई अमाउंट ही नहीं लिया तो इस तरीके से चांसेस होती हैं इन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन में रोमम होने की एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू फ्रॉड तो चलो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ऑफ़ एंडिटीज़ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ऑडिटर क्या करेगा सबसे पहले तो वो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि क्या आइडेंटिटी है आपकी रिलेटेड पार्टीज़ की और अगर उनमें कोई भी चेंजेस आया है प्राया पीरियड में तो वो एंड देन क्या नेचर है रिलेशनशिप का बिटवीन द एनटिटी एंड दिस रिलेटेड पार्टीज दैट इज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डोमिनेट इन्फ्लुएंस है क्या है और अगर रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है तो क्या जिस पीरियड की ऑडिट ले आप गए हो उस पीरियड में उनके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कैरी आउट किए गए हैं और अगर कैरी आउट किए गए हैं तो कौन से टाइप के और उनका पर्पस क्या था एंड देन ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से और जो अदर्स हैं विद इन द एंटिटी उनसे भी और परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अदर रैप जो कि वहाँ पर अप्रोप्रिएट हो क्यों टू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल इफ़ एनी अगर अभी जो आप रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ली वहाँ पर आपको ये समझ आए कि उन पर कोई कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है तो अब आप उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लोगे और वो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि क्या मैनेजमेंट इस्टेब्लिश की गई है इस तरीके से या इसलिए कि वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई अकाउंट और डिस्क्लोज करें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और उसके ट्रांजेक्शन को इन अकॉर्डेंस विद अपलिकेबल एफ़ आर एफ़ क्या मैनेजमेंट ऑथराइज और अप्रूव करती है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और उनके अरेंजमेंट्स को विथ रिलेटेड पार्टीज़ एंड क्या ऑथराइज और अप्रूव करती है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट्स को आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अब पहले ये देखोगे कि क्या जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको अच्छे से आइडेंटिफाई अकाउंट और डिस्कलोज कर रही है फिर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर्ली ऑथराइज और अप्रूव करके ही हो रहे हैं अब प्रॉपर्ली ऑथराइज और अप्रूव करके तो हो रहे हैं बट क्या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहे हैं या विथ इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अब ये तो हमने बात कर ली नॉर्मली अगर हम ऑडिट के जा रहे हैं अब कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटीज़ स्मॉलर एंटिटी में जो भी कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है वो ऑब्वियसली लार्जर एंटिटीज से तो अलग ही होता है हो सकता है वहाँ पे टी हो ही ना या हो भी तो कोई आउटसाइड मेंबर को इंक्लूड ना कर रही हो जो उसका ओनर है वही उसका मैनेजर है वही उसकी गवर्नेंस संभाल रहा है वही उसका डी सी डब्ल्यू जी मैनेजमेंट सब है यहाँ की कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्मॉलर एंटिटीज की वो मोर लाइकली लेस फॉर्मल होती है और जनरली वहाँ पे कुछ खास डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं होता है वाइल्ड डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन अब एस यहाँ का जो ओनर है वही मैनेजर वही डी सी डब्ल्यू जी है तो हो सकता है ये ओनर मैनेजर मिटिगेट कर दे कुछ रिस्क को जो अराइज होते हैं ड्यू टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या ये भी हो सकता है कि वो पोटेंशियली इंक्रीज कर दें इन रिस्क अपने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ऐसी एंटिटीज में ऑडिटर अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करेगा अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन्स और उनके कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग दिस क्या पहले तो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से इंक्वायरी अकेले नहीं करेगा इंक्वायरी कंबाइंड विद अदर ऑडिट प्रोसीजर्स सच एज ऑब्जर्वेशन अब किसका ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट्स ओवरसाइट साइट एंड रिव्यू एक्टिविटीज या इंस्पेक्ट करेगा जो भी अवेलेबल रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन है हाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता बट ऐसा थोड़ी है कि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं बना रहा है स्मॉलर बिजनेस वाला ऑडिटर वेरीफाई कैसे करता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन ऑडिट करते वक्त ना एक ऑडिटर को अब अलर्ट होकर ऑडिट करनी चाहिए सो दैट कोई भी रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन हो वो उसको उसकी नज़र में आ जाए वाइस रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स अब ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है ये इंस्पेक्ट कर सकता है कुछ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को जिससे उसे इन्फॉमेसन मिल जाए रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स या ट्रांजेक्शन्स फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर सकता है एन की इंफॉर्मेशन क्या सप्लाई हुई है बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ शेयर होल्डर रजिस्टर से आपको प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स पता चल जाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या यहाँ पे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम मैनेजमेंट या टी सी डब्ल्यू जी तो उसका स्टेटमेंट एन टी डी के इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड उसके पेंशन प्लान का रिकॉर्ड एन टी डी के क्या कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है विद की मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी क्या सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट है जो कि एन के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आते एन के प्रोफेशनल एडवाइजर्स से ऑप्टेन किए हुए स्पेसिफिक इन्वाइस और कॉरेस्पॉन्डेंस क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो एक्वायर की गई है बाय द एन क्या कोई ऐसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है जो रीनेगोशिएट किए गए हैं बाय द एन ड्यूरिंग द पीरियड दीरियड उसके इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड हैं उस एन की फाइलिंग से दैट इज़ विद द सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट इन ग्यारह से बारह डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्ड्स की चेकिंग करके ऑडिटर को पता चलता है कि क्या यहाँ पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन है अब ये पूरे के पूरे चेक करना ज़रूरी नहीं है ना ये कुछ एग्जाम्पल्स है ये डिपेंड करता है कि आप किसकी ऑडिट के लिए गए हो वहाँ पर क्या सरकम हो रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इस एनालिटिकल प्रोसीजर्स एस फाइव ट्वेंटी तो ये हमने ऑलरेडी अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया ही हुआ है बट वहाँ हमने ओवरव्यू लिया था कुछ टर्म्स समझे थे अब यहाँ हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो ये नॉर्मल रूटीन चेक्स होते हैं ना ये जनरली हर एक मिस्टेक या मैनिपुलेशन को डिक्टेट नहीं कर पाते डिस्कलोज नहीं कर पाते कुछ और अदर प्रोसीजर्स भी अप्लाई करनी पड़ती है लाइक कंपेरिजन्स ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस इन एडिशन टू रिजनेबल टेस्ट ये कलेक्टिवली एक साथ कहलाते हैं ओवरऑल टेस्ट विद द पैसेज ऑफ टेस्ट जो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स है ना उसने एक लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस गेन कर लिया है ऑडिट प्रोसीजर जिसके बारे में गाइड करता है हमें एस ए पांच सौ बीस वट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर ये हमने पहले भी समझा है तो अभी हम इसे रिवाइज करेंगे एस पर एस एवेंटी एनालिटिकल प्रोसीजर्स द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स मीन इवेलुएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू एनालिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमाउंट बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा जब आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करते हो थ्रू एनालाइजिंग प्लासिबल रिलेशनशिप अमाउंट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा उसे कहते हैं हम एनालिटिकल प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से हमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक like, जो हमारी आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस है रिलेशनशिप्स हैं जो कि इनकन्सटेंट है हमारी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ या वो जो डिफ़र करती है अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से किसी सिग्निफिकेंट अमाउंट पर जिसका हमने बहुत सारा एग्जाम्पल समझा था अभी के एक एग्जाम्पल समझते हैं आपकी सेल्स हर साल टेन परसेंट से बढ़ रही थी इस साल अचानक से फिफ्टी परसेंट से बढ़ गई पर आपने कुछ ऐसा एक एक्सपेंड नहीं किया बिज़नेस कुछ किया नहीं वो बस विदाउट एनी चेंज अपने आप सेल्स इतनी बढ़ गई या आप इतनी बढ़ा के दिखा रहे हो तो भाई एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको इसके बारे में भी डिटेल मिलती है कि क्या कोई ऐसे फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं या कोई ऐसे रिलेशनशिप दिख रही है जो इनकन्सिस्टेंट है अदर रेलिवेंट इन्फॉमेसन के साथ या जो डिफ़र करती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से किसी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मतलब छोटा मोटा डिफरेंस नहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस आई होप आपको याद आ गया होगा जो हमने वहाँ पे पढ़ा था पिछले चैप्टर में एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स है सेल्स की एग्जाम्पल से समझा था यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंस की एग्जाम्पल दी हुई है सी ए ब्रिजेश जब वेरीफाई कर रहा होगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ पी आर टी लिमिटेड तब वो कंपेयर भी करेगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर विथ प्रीवियस ईयर ट्रेवलिंग एक्सपेंस और फिर वो ये डिफ़ाइन करेगा ये चेक करेगा कि कितना परसेंट इंक्रीज़ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस में और फिर वो उस परसेंट को जो यहाँ पे यहाँ पे कितना है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव है अब इसे ये कंपेयर करेगा पिछले हर साल की जितने भी साल की उन, ट्रेंड बना रहा हर साल तो ऑडिट में ये चीज़ चेक होती होगी ना अब पहले साल आया बीस परसेंट फिर बीस परसेंट चल रहा था कांस्टेंट फिर एक बार आया पच्चीस अब पच्चीस कॉन्सटेंट चल रहा है क्या ट्रेंड है क्या दिख रहा है हर साल क्या इतने परसेंट से इंक्रीज़ हो रही है ट्रैवलिंग एक्सपेंस या सिर्फ इसी साल हुई है और फिर इस कंपैरिजन को यूज़ कर सकते हैं सी ए ब्रिजेश जब वो अप्लाई कर रहा होगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स को विथ रिस्पेक्टिव एक्सपेंसिसंग कट बाय द कंपनी अब आप कंपेरिजन को कैसे कंसिडर कर सकते हो दूसरा पॉइंट एंटिसिपेटेड रिजल्ट क्या आया है एन का जो आपने बजट बनाई थी फॉरकास्ट बनाई थी आपने एक्सपेक्टेशन किए थे सच सचास आपने एस्टिमेट किया था कि इस बार इतना डेप्रिसिएशन होगा तो क्या उतना ही है रिजल्ट भी सिमिलर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन अब जैसे कि वो टेन परसेंट से सेल बढ़ी फिफ्टी परसेंट पर आपने बिजनेस एक्सपेंड नहीं किया बट क्या पता इस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को लेके डिमांड बढ़ गई हो तो अब आप सिमिलर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन से कंपैरिजन करोगे उनके रेशियो ऑफ सेल्स से क्या उनके सेल्स में भी कुछ इस लेवल पर अचानक से इंक्रीज आता दिखा है इससे आपको पता चलेगा कि ये जो इंक्रीज़ है ये क्या सिग्निफिकेंट रोमम दर्शा रहा है या ये नॉर्मल है एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकलेशन ऑफ रिलेशनशिप्स एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं टू कंफर्म टू अटेबल पैटर्न बेस्ड ऑन एंटीज एक्सपीरियंस सच एज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हर साल ग्रॉस मार्जिन में आपको एक नंबर ऑफ एक परसेंट ऑफ इंक्रीज दिख रहा है डिक्रीज दिख रहा है उसका रिलेशनशिप विद अदर आइटम्स जैसे आपका क्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है आपने देखा आपका इस बार स्टॉक भी आपने ज़्यादा मंगाया था इस बार पर आपकी परचेजेस भी बढ़ी हैं आपको इनकी रिलेशनशिप पता चलेगी लाइक वाइज ये पूरा फाइनेंशियल टर्म हो गया अब बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एस पेरोल कॉस्ट क्या है टू नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पेरोल कॉस्ट बढ़ी है क्या एम्प्लॉय भी बढ़े हैं या इनकी सैलरी बढ़ाई गई है इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके देखोगे तो टॉपिक और भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगे इनके हिसाब से ना बने या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो स्कोप क्या है ऐसे फाइव ट्वेंटी का ये डील करता है विथ ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सेप और वो प्रोसीजर्स एंड एंड वो प्रोसीजर्स जो ऑडिट के एंड में असिस्ट करती है एक ऑडिटर को वैन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब इस ऐसे के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का सबसे पहला और सबसे ऑबियस ऑब्जेक्टिव कि आप ऑप्टेन कर पाओ रेलिवेंट और रेलिएबल ऑडिट एविडेंस वेन यूजिंग सेप एंड डिजाइन और परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ ऑडिट जो आपको असिस्ट करें जब आप फॉर्म कर रहे हो अपनी ओवरऑल कंक्लूजन को एस टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है या नहीं विथ ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी तो सबसे पहला तो रेलिवेंट और रेलिएबल ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करो दूसरा इस तरीके से डिजाइन और परफॉर्म करो अपनी एनालिटिकल प्रोसीजर को नियर द एंड ऑफ ऑडिट दैट असिस्ट कर सके जो आपको वाइल फॉर्मिंग कॉन्क्लूजन कि क्या जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली थी एंटिटी की और जो ये ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन हुए हैं वो कंसिस्टेंट हैं एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पर्पस। एनालिटिकल प्रोसीजर ना यूज़ करती है कुछ कम्पेरिजनस का कुछ रिलेशनशिप का जिससे वो ये असेस करती है कि क्या अकाउंट बैलेंसेस या अदर डेटा हमें दिए गए हैं वो रीज़नेबल हैं पिछले साल तक तुम दस लाख कमा रहे थे इस साल तुम बीस लाख कमा रहे हो रीज़नेबल है बट पिछले साल तक तुम दस लाख कमा रहे थे तुमने बिज़नेस भी एक्सटेंड नहीं किया कुछ नहीं किया इस बार अचानक से तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा रेवेन्यू हो गया एक करोड़ क्या ये रिजनेबल है नहीं सो एनालिटिकल प्रोसीजर में हम कुछ कंपेरिजन कुछ रिलेशनशिप्स को चेक करके उसके बेसिस पे ये पता करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिजनेबल है या नहीं फॉर इंस्टेंस स्टैबलिश कर रहे हैं रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन सर्टेन बैलेंस इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल और उन्हें कंपेयर कर रहे हैं विद दोज बैलेंसेज जो एग्जिस्ट करते थे बिटवीन सेम सेट ऑफ बैलेंस इन प्रीवियस ईयर दैट इज़ प्रीवियस ईयर की वो सेम इन्फॉर्मेशन और करेंट ईयर की वो सेम इन्फॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो रिकनसाइल कर रहे हो फिजिकल बैलेंस ऑफ एसेट विद रेलेवेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑप्टेनिंग ऑफ अकाउंट फ्रॉम ये अकाउंट बैलेंसेज होगा अकाउंट बैलेंस ऑप्टेन कर रहे हो फ्रॉम बैंकर अकाउंट रिसिवेबल्स अकाउंट पेएबल्स और उनको रिकनसाइल कर रहे हो विद रेलेवेंट बैलेंसेज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कन्फर्मिंग अमाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसिस बाई प्रिपेयरिंग रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एटसेट्रा इससे आप क्या डिटेक्ट कर पाओगे कि क्या यहाँ पे कोई अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स या मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं फॉर एग्जांपल आप गए एक्स वाई जेड लिमिटेड की ऑडिट करने जब आपने एनालिकल प्रोसीजर्स को अप्लाई किया एस कंपैरिजन ऑफ़ जीपी रेशियो विद डेट ऑफ़ प्रीवियस ईयर इस साल के जी रेशियो को पिछले साल के जी रेशियो से आपने कंपेयर किया तो आपको ये समझ में आया कि इस साल की जो जी है वो गिर गई है देर इज बिन फॉल्ट पहले शायद प्रॉफिट में हो गए अब लॉस में आ गए या पहले टेन परसेंट के प्रॉफिट में थे तो आज पाँच परसेंट के प्रॉफिट में आ गए तो यहाँ पे अब ये नेसेसरी हो जाएगा ऑडिटर के लिए कि वो फर्दर इंक्वायरीज करें क्यों क्योंकि ये लॉस किस वजह से हो सकता है या तो आपकी इन्वेंट्री में बिल्स रेज है या कोई मिस अप्रोप्रियशन हुई है दैट इज़ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है या आपने सेल्स की अमाउंट पे या कॉस्ट ऑफ़ सेल्स की अमाउंट पे कुछ तो भी मिस अप्रोप्रियशन की है किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया है अकाउंट्स को या हो सकता है आपने सेल्स का कॉस्ट बढ़ा दिया आपने सेल्स तो बढ़ा दी प्रोसीड जो है उसकी पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में सेल प्राइस इंक्रीज नहीं किया मतलब क्या इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ तो एट लास्ट इन सब रीजन की वजह से जब भी आपको जीपी कम होता दिखता है आप ये आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो अब मान लो आपको दिखा कि आपके पास जो सेंडरी अकाउंट रिसिवेबल है और जो आप थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसमें आपको वेरीफाई करके ये समझ में आया कि वहाँ पे कोई तो डिस्क्रिपेंसी है कोई चेंजेस हैं अमाउंट में डिफरेंस है आप शो कर रहे हो बारह लाख सामने वाला बोल रहा है दस लाख तो अब ये दो रीजंस की वजह से या और भी रीजंस की वजह से हो सकता है लाइक आपने डेबिट नहीं किया उसके अकाउंट में कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सप्लाइड हो सकता है आप दस लाख शो कर रहे हो एक्चुअल में बारह लाख हो फर्स्ट केस या ये भी हो सकता है कि आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं की क्योंकि आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई इसने अभी दो लाख पे कर दिया है आपने रिसीव नहीं किया इसलिए आपने यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है सेम थिंग फॉर अकाउंट पेबल्स अकाउंट रिसिवेबल में आपको पेमेंट मिली या नहीं आपने कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सप्लाइड को ठीक से रिकॉर्ड किया या नहीं ये देखते हैं तो वही अकाउंट पेबल में कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम मतलब थर्ड पार्टी से आपके पास जो गुड्स आया आपने उसकी रिकॉर्डिंग सही से, से किया नहीं या आपने अमाउंट ऑफ रेविडेंस को डेबिट किया या नहीं अब आप इस साल की इन्वेंट्री और मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स जो भी हैं उसे पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है या तो एक्सेस है या शॉर्टेज है अब शॉर्टेज होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है हो सकता है मिस अप्रोप्रिएट की गई हो इन्वेंट्रीज चोरी कर ली गई हो या एक्सेस हो सकता है इस वजह से आपने पहले ही नोट डाउन कर दिया आपने रिसीव की नहीं है इन्वेंट्री आपको इशू नहीं हुई है आपने पहले ही नोट डाउन कर दी हमने दस लाख की ऑर्डर दिया ना कल को दस लाख आ जाएगा आज ही शो कर दो ऐसे नहीं होता जब आप अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड को रिकनसाइल करते हो दैट इज़ पिछले साल इस साल की कंपेयर करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग किसी भी तरह का पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग हो कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई ऐसी एडजस्टमेंट हो जो आपको ना पता हो वो डिटेक्ट की जा सकती है ये ओवरऑल टेस्ट एक्सटेंड हो सकती है इंटरफम और इंटराफर्म कम्पेरिजन दोनों आप चाहो तो अपने ही फर्म की आज की इन्फॉर्मेशन को कल से कंपेयर कर लो दैट इज़ करेंट पीरियड की प्रायर पीरियड से कंपेयर कर लो या आप चाहो तो आज की अपने फर्म की करंट पीरियड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करती हुई किसी दूसरी फॉर्म की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर लो अब जैसे कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ़ पीएनएल का जो बैलेंस है उसे कंपेयर कर रहे हो स्टेटमेंट ऑफ़ पीएनएल के बैलेंस के किसी दूसरी एंटिटी के सेम पीरियड के इससे आपको पता चलेगा कि क्या रेट ऑफ़ प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ़ पीएनएल के बैलेंसेस को कंपेयर करोगे आज के बैलेंस को प्रीवियस ईयर के बैलेंस है तो आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न है किसी भी एक टर्म के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का किसी भी एक अमाउंट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का ये प्रॉफिट के टर्म पे लिखा था नेक्स्ट पॉइंट में एक्सपेंसेस के टर्म पे लिख दिया है सेम चीज़ को स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल के आज के एक्सपेंस को कल के एक्सपेंस से कंपेयर करोगे तो उसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के पीछे का रीज़न पता चल जाएगा किस वजह से हुआ है इन रिलेशन टू सेल्स है ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है क्या है अब जो ये डिफरेंसेस है ना अगर ये मटेरियल लेवल पर कोई बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा तो ऑडिटर यहाँ पे एसरटेन करेगा कि पहला तो क्या रीज़न है और फिर असेस करेगा कि क्या ये जो अकाउंट है ये मैनिपुलेट किए गए हैं या इन्फ्लेट या सप्रेस करके दिखाया गया है हमें प्रॉफिट आपको अब एकदम एक कोई एब फॉल दिख गया अपनी कॉस्ट ऑफ़ मैन्युफैक्चरिंग पे दैट इज़ उस एंटिटी की कॉस्ट ऑफ़ मैन्युफैक्चरिंग पे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे अपार्ट फ्रॉम कुछ इकनॉमी इन जब एक्सपेंसिस इकोनॉमी है नॉर्मल है या वहाँ पे कोई प्रोविज़न ही नहीं है या बहुत लेस प्रोविज़न बनाए गए हैं फॉर एक्सपेंसिस इनकर्ड इन दिस ईयर तो जब ऐसा कुछ दिखता है ऐसा कुछ आप सस्पेक्ट करते हो तो ऑडिटर को कंपेयर करना चाहिए एन की आउटस्टैंडिंग बुक्स को विद दो इन द प्रीवियस ईयर आप एक्सपेंसि बढ़ा के नहीं दिखा रहे हो अब आप चेक कर पिछले साल कितना आउट था इस साल क्या है क्या पिछले साल प्रीपेड था हो सकता है इस साल की manufacturing कॉस्ट एक करोड़ हो जिसमें से पचास लाख आपने पिछले साल पटा दी हो या इसलिए इस साल आप सिर्फ पचास लाख शो कर रहे हो तो ये आपको पता कैसे चलेगा प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन चेक करने से उससे कंपेयर करने से और आपको साथ में मस्ट लिखा है ना साथ में करना ही करना है चेक वाउचर्स फॉर वन मंथ इमिडिएटली बिफोर द क्लोज ऑफ फॉलोइंग ईय आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के बैलेंस शीट में कोई मैनिपुलेशन दिख रही है कुछ डिफरेंस दिख रही है तो अब ऐसे केस में आप चेक करोगे इससे जस्ट पहले मतलब मार्च ट्वेंटी टू के डेटा को वहाँ के वाउचर्स को ये क्यों करते हैं हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम वेरीफाई कर पाएँ कि इस साल का कोई भी एक्सपेंस पिछले साल में बुक या चार्ज ना कर दिया गया हो ऑफ़ एंड इट इज़ पॉसिबल टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ सम ऑफ़ द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसिस इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ़ पी एन एल ये पॉसिबल भी होता है कि आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर पाओ एक इंडिविजल एक्सपेंस को जो स्टेटमेंट ऑफ़ पी एन एल में गिवन है उसके आइटम्स को कि वो करेक्ट है या नहीं अब जैसे कि कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स है एक्सपेंसी तो है आप पैसे पे कर रहे हो ना इम्पोर्ट कराने के उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हो ये सब्जेक्टेड होते हैं टू एन एड वेलोरम ड्यूटी तो आप यहाँ पे वेरीफ़ाई कर सकते हो कि क्या अमाउंट ऑफ ड्यूटी आपने पे की है अब आपको क्या पता मैं तो आपको बोल रही हूँ कि मैंने सौ किलो शुगर बेची है बट एक्चुअल में मैंने सौ किलो शुगर बेची है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा आप मेरा जी एस देखोगे कि मैंने जी में टैक्स कितना पटाया है अब ही बात है सौ किलो शुगर बेचा है तो उतना ही टैक्स पटाऊंगी अब गवर्नमेंट मेरे घर की थोड़ी है जो सौ किलो का शुगर बेच के पचास किलो का ही टैक्स उठा रही है ऐसी कोई अमाउंट ऑफ इनकम या एक्सपेंस जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी प्रॉफिट या सेल के साथ वो भी वेरीफाई किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली फॉर एग्जांपल क्या कमीशन पे किया आपने मैनेजर को ये आप कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्सेट्रा जो तो जो अभी तक हमने इतने सारी प्रोसीजर्स पढ़े रेशियोस ट्रेंड्स कम्पेरिजन्स ये इनकी कैलकुलेशन को कहते हैं एनालिटिकल रिव्यू ये टर्म्ड है एज एनालिटिकल रिव्यू थर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो आपको हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई एक्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इवेंट अमाउंट रेशियो ट्रेंड जो इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे मैटर्स जिसका इंप्लीकेशन हो सकता है हमारी ऑडिट पे और जो अनयूजल या अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन से आपको असिस्ट हो सकता है आपको हेल्प हो सकता है इन आइडेंटिफाइंग रोमम स्पेशली रोमम ड्यू टू फ्रॉड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये टॉपिक टाइम पास के लिए बनाया है क्यों क्योंकि स्टार्ट से एंड तक लगता है एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग में टेस्टिंग में कंप्लीशन में जो एक्सपीरियंसड ऑडिटर्स होते हैं वो एनालिटिकल प्रोसीजर को सारे स्टेजेस ऑफ ऑडिट में यूज़ करते हैं ये रिक्वायर्ड होता है प्लानिंग फेज में और उसके बाद जो आपने प्लान किया है उसके टेस्टिंग फेज़ पे और उसको टेस्ट करके जो कंक्लूजन मिली है उसके कम्प्लीजन फेज़ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन प्लानिंग द ऑडिट प्लानिंग फेज में एनालिटिकल प्रोसीजर आपको असिस्ट कर सकती है अंडरस्टैंडिंग लेने में ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस या आइडेंटिफाई करने पर क्या ऐसे कोई एरियाज़ हैं जहाँ पर पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं ड्यू टू ऐसा कोई भी एस्पेक्ट या डेवलपमेंट एंटिटी के बिज़नेस पे जिसके बारे में आपको नहीं पता था आप अनअवेयर थे फिर ये जो इंफॉमेसन आपको मिली है ये आपको असिस्ट करेगी इन डिटरमाइनिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लानिंग फेज में ही दोनों इंफॉमेसन को यूज़ करती है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सच एज आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है कितना स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग स्पेस है वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूज एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको हेल्प करती है ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज टू डिटरमाइन नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो यूज होगी टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस और क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर ये हमने पहले ही पढ़ लिया था इसलिए से अभी हम शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं ये क्या कंप्राइज करता है एक टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर या दोनों का कॉम्बिनेशन इसे बोलते हैं हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है कौन सा सेप हमें यूज करना है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पे अबाउट कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कितना अफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल होगा टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल दैट इज इन शॉर्ट सैप परफॉर्म करना है नहीं करना है कैसे करना है वो सब डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट पे इसके लिए ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि क्या अवेलेबिलिटी है रिलियबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की जो कि हमें सैप के लिए काम आएगी अब जिस इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करना है वो वो इन्फॉर्मेशन कितना रिलेबल है और क्या अवेलेबल है और क्या रिजल्ट्स आए इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स के जो एन ने परफॉर्म किए थे यह इफेक्टिव हो सकता है कि आप यूज़ करो जो एनालिटिकल डेटा आप मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रही है प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड कि ऑडिटर सेटिस्फाई हो कि वो जो डेटा है वो प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स अभी डायरेक्ट पॉइंट्स पर पढ़ते हैं पहला अवेलेबिलिटी ऑफ डेट क्या रेलिएबल और रेलिवेंट डेटा अवेलेबल है जो फैसिलिटेट करे एफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डिसग्रीगेशन डिसेग्रीशन का मतलब होता है सेपरेशन केस डिग्री पे द डिग्री ऑफ डिसग्रीगेशन मतलब कितनी डिग्री पे एक इंफॉर्मेशन को सेपरेट किया जा सकता है अब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ़ पी का बैलेंस दे दिया तो क्या आप सिर्फ बैलेंस यूज़ कर सकते हो या उस बैलेंस को तोड़ तोड़ के पूरे स्टेटमेंट जो दिए आपको उसके एक एक आइटम के बैलेंस को यूज़ कर सकते हो तो जो डिग्री ऑफ डिसग्रीगेशन होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है डिग्री ऑफ़ इट्स यूजफुलनेस कितना यूज़फुल होगा वो इन्फॉर्मेशन इन डिटेक्टिंग मिस स्टेटमेंट अकाउंट टाइप कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं ना जिनके लिए सैप ज़्यादा यूज़फुल होता है जैसे कि इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स जो है वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज हमारी सेल इतनी है तो कल कितनी होगी आज हमारे खर्चे इतने हैं तो कल कितने होंगे पर क्या आप अपने बैलेंस शीट के अकाउंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या पता आज आपके पास एक करोड़ की बिल्डिंग है कल आपके पास पैसे रहे आपको एक अच्छा ऑफ़र मिला आपने एक और बिल्डिंग खरीद ली क्या ये प्रेडिक्टेबल है नहीं तो जो ये इनकम स्टेटमेंट है उसमें शायद सेब ज़्यादा यूज़फुल हो बट कुछ केसेस में बैलेंस शीट में ना हो यूज़फुल फिर कौन से सोर्स से एविडेंस ऑप्टेन किया है अब कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं जो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं बिकॉज़ वो कंसिस्टेंट होते, है, होते हैं नंबर पे सिमिलर होते हैं ट्रांजेक्शन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके रूटीन प्रोसेस हैं वहीं कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन रूटीन होते हैं जिनका एस्टिमेशन मैनेजमेंट करती है मैनेजमेंट की जजमेंट पे होता है ये स्कॉट ये ना पढ़ लेना सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन फुल फॉर्म में दे सकता है एम सी क्यू में एंड देयर फॉर मोर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट मतलब कौन से सोर्स की इंफॉर्मेशन है जो रूटीन प्रोसेस होते हैं ना और जो प्रेडिक्टेबल होते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन उस पर सेप ज़्यादा यूजफुल होता है ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन पे जैसे कि आपकी रूटीन ट्रांजेक्शन क्या हो हुई सेल्स परचेज अब ये तो रोज़ हो रही है ना और आप इसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि आगे जाके क्या सेल्स इंक्रीज़ होने की चांसेस है और सेल्स भी जितनी इंक्रीज़ होगी परचेस भी तो इंक्रीज़ करोगे ही हाउ एवर जो ये सिग्निफिकेंट क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन है लाइक like, आपका आर एंड डी का कॉस्ट रिसर्च और एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आप साल में एक बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या हर दिन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो प्रेडिक्टेबिलिटी जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है ना उस पर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है और जो कम प्रेडिक्टेबल होती है उसमें इतना ईजली आप सैप नहीं परफॉर्म कर सकते क्यों क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हो आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो आप पिछले साल की इंफॉर्मेशन और इस साल की इंफॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हो वो आप कंपेयर कब करोगे जब कोई रिलेशनशिप हो ना उसके बीच में जब पिछले साल का एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख के आप एस्टिमेट कर पा रहे हो कि हो सकता है इस साल इतना मार्जिन हो आप ही नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ पर कंपेयर क्या करोगे नेचर ऑफ असरशन कुछ असरशन है ना लाइक like कंप्लीटनेस और वैल्यू इसके रिगार्डिंग सेब ज़्यादा अफेक्टिव होगा रेदर देन राइट्स एंड ऑब्लीगेशन अब पिछले साल मेरे पास बिल्डिंग एक करोड़ की थी इस बार दो करोड़ की हो गई क्योंकि मैंने एक करोड़ की और ख़रीद ली ऐसा मैं शो कर रही हूँ अपने बैलेंस शीट में अब आप इस साल की बैलेंस शीट और पिछले साल की बैलेंस शीट कंपेयर करोगे तो आपको ये तो समझ आ जाएगा कि मैंने खरीदी है क्या उससे आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो सच में वो मेरे ही नाम पे है या नहीं मेरा उस पर कोई राइट right है या नहीं नहीं मिलेगी इसीलिए कुछ असरशन भी होते हैं नेचर ऑफ असरशन पे भी हमारा सैप डिपेंड करता है ज़्यादा होगा कम्प्लीटनेस और वैल्यूएशन के केस में रेदर देन राइट्स और ऑब्लिगेशन के केस में इनहेरिट रिस्क और वट कैन गो रॉन्ग जब हम इनहेरिट रिस्क का टॉपिक पढ़ रहे थे ना तो वहां पे हमने पढ़ा था जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस एन इनहेरिट रिस्क या क्या गलत हो सकता है दैट टाइम वी कि क्या नेचर ऑफ रोमम वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है टू डिटरमाइन कि क्या आप पे सैप परफॉर्म करने की ज़रूरत है इसलिए सैप इनहेरेंट रिस्क के अवॉर्ड कैन रॉन्ग पे भी डिपेंड करता है जब इनहेरिट रिस्क हाइयर हो वी में डिजाइन टेस्ट ऑफ डिटेल्स और जब सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज होती है या आइडेंटिफाई करते हो कि सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है तब सेप अकेले इनफ़ नहीं होगा सफिशियन नहीं होगा तब आपको टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म करनी होगी एंड जस्ट बिकॉज यू टॉपिक हमने ऑलरेडी डिटेल में समझा है इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे वो कौन सी टेक्निक्स है जो अवेलेबल हैं एज सेप ट्रेंड एनालिसिस रेशियो एनालिसिस रिजनेबलनेस टेस्ट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग अब समझते हैं कि ये क्या होता है हम जब सेप डिज़ाइन करते हैं ना तो ये लिमिटेड होता है ओनली बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिएबल डेटा अब रेलिएबल डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो सैप परफॉर्म क्या पे करोगे और दूसरा क्या कितना एक्सपीरियंस और क्रिएटिव है तुम्हारा ऑडिट टीम जनरली ये जो चार हमने अभी ऊपर मेथड्स पढ़े हैं उनमें से कुछ एक परफॉर्म होता है जिसमें का फर्स्ट मेथड है हमारा ट्रेंड एनालिसिस ये बहुत ही कॉमनली यूज टेक्निक है ट्रेंड एनालिसिस में आप करेंट ईयर के डेटा को प्रायर पीरियड के डेटा से कंपेयर करते हो और विथ अ ट्रेंड इन टू और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस दैट इज़ आपने कोई एक साल लिया इक्कीस बाईस फिर बाईस तेईस अब आप उसके बेसिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तेईस चौबीस में कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना जीपी हो सकता है या बीस इक्कीस इन सब के बेसिस पे आप ये ये बता रहे हो कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सही आया अब हर साल ना जो इंक्रीज़ आ रहा है वो टेन परसेंट का एक ट्रेंड चल रहा है कि हर साल टेन परसेंट से आपका जीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो इस साल भी टेन परसेंट से ही होना चाहिए या उसके आस पास ही इलेवन टवेल्व कुछ अब हर बार टेन परसेंट हो रहा है इस बार अचानक से थर्टी परसेंट हो गया तो यहाँ पर अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत है ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं करेंट ईयर के बैलेंस को प्रायर पीरियड के बैलेंस से कंपेयर करते हैं और एक ट्रेंड सेट करते हैं फिर उसके बेसिस पे ये चेक करते हैं कि क्या जो हमारा करेंट बैलेंस है वो लाइन में है विथ ट्रेंड इस्टेब्लिश्ड इन प्रीवियस बैलेंसेस इन सिंपल वर्ड्स आप यहाँ पे एनालाइज करते हो अपने अकाउंट के फ्लक्चुएशनस को बाय कंपेयरिंग करेंट ईयर और प्रायर ईयर का इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन डराइव ओवर सेवरल ईयर्स एग्जाम्पल में आज सैलरी का एग्जाम्पल दिया है आपने पिछले साल कितनी सैलरी पटाई थी इस साल कितनी पटाई उसमें कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ आया है अगर कोई अनयूजल इंक्रीज़ दिख रहा है एक्सपेंसेस में तो वो इंडिकेट कर सकता है किसी फ्रॉडलैंड पेमेंट को देट इज़ आपके एम्प्लॉयज बड़े नहीं है आज भी सौ के सौ हैं आप फेक एम्प्लॉय बता के वहाँ पे पैसा ज़्यादा दे रहे हो रेशियो एनालिसिस यूजफुल होता है फॉर एनालाइजिंग एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट एज वेल एज़ रेवेन्यू और एक्सपेंसिस अकाउंट बैलेंस शीट के केस में ना एक इंडिविजुअल अकाउंट को ही अकेले ऐसे प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है बट अगर उसको रिलेशनशिप फॉर्म करके दूसरे अकाउंट्स के साथ देखो तो वो मोर प्रेडिक्टेबल हो जाता है फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस रिलेटेड टू सेल अब आप देख रहे हो पिछले साल बैलेंस शीट में दस लाख के डेटर्स थे इस बार बीस लाख के हो गए क्या समझ आया कुछ भी समझ आया इससे नहीं अब वहीं देख रहे हो पिछले साल की सेल्स इतनी थी और पिछले साल की डेटर्स इतने थे इस साल की सेल्स इतनी बड़ी और इस साल के डेटर्स इतने बड़े क्या आपको रिजनेबलनेस दिख रही है डेटर्स के अमाउंट बढ़ने के पीछे यस रेशियो एनालिसिस में बेसिकली आप रेशियोज को कंपेयर करते हो लाइक टर्न ओवर रेशियोज बेसिकली खुद की कंपनी के प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हो तो वहीं विद रेशियोज ऑफ अदर कंपनीज इन सेम इंडस्ट्री से भी कंपेयर कर सकते हो और फाइनेंशियल रेशियोज में इंक्लूड ट्रेड रिबल्स और इन्वेंट्री रेशियो फ्रेट एक्सपेंसिस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू नो वॉट इज दिस रिजनेबलनेस टेस्ट जैसे ट्रेंड एनालिसिस प्रायर पीरियड के डेटा पे रिलाई करता है ना वैसे ही ये प्रायर पीरियड के डेटा पे रिलाई नहीं करता है उसके इवेंट पे रिलाई नहीं करता है बल्कि ये रिलाई करता है नॉन फाइनेंशियल डेटा फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन जैसे रिजनेबलनेस टेस्ट में आप क्या कंपेयर करोगे क्या ऑक्यूपेंसी रेट मार्केट में चल रही है क्या रेंटल इनकम आप पे कर रहे हो अब मान लो आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो जहाँ का नॉर्मल रेट है टेन के बट जस्ट बिकॉज आपको टैक्स कम बटाना है आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाना है आपने शो कर रखा है फिफ्टीन के तो अब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्या है और आप क्या पे कर रहे हो इन दोनों को कंपेयर करके जब आप ये इंफॉर्मेशन निकालते हो कि क्या ये सही है या नहीं ये रेलिवेंट है या नहीं इसे कहते हैं रिजनेबलनेस टेस्ट क्या रिजनेबल है जो काम आप कर रहे हो अब यहाँ पे आप सिर्फ फाइनेंशियल टर्म पे कंपेयर नहीं करते हो नॉन फाइनेंशियल डेटा से कंपेयर करते हो ये टेस्ट जनरली ज़्यादा एप्लीकेबल होता है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स के लिए एंड सर्टेन एक्रूवल और प्री पेमेंट अकाउंट्स के लिए फॉर एक्जाम्पल इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेंस्ट इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशंस रॉमेट कंजम्पशन टू प्रोडक्शन क्वान्टिटी में वेस्टेज ऑफ स्क्रैप परसेंट अगेंस्ट प्रोडक्शन अब आपकी प्रोडक्शन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो वेस्टेज और स्क्रैप का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा अब वो सही वैल्यू पे सही अमाउंट पे बढ़ रहे हैं नहीं ये आप कैसे जानोगे आप रिजनेबल टेस्ट करोगे जहाँ पे आप वेस्टेज ऑफ स्क्रैप का परसेंटेज को प्रोडक्शन से कंपेयर करोगे दैट इज़ ये पढ़ के क्या समझ आ रहा है हम कोई भी प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसी साल की इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों डेटा को कंसिडर कर रहे हैं डब्ल्यू बेस्ड ऑन इशू ऑफ मटेरियल एंड सेल्स सेल्स डिस्काउंट कमीशन अगेंस्ट सेल्स वॉल्यूम रेंटल रेवेन्यू बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी ऑफ प्रीमाइसिस एंड अवर लास्ट मैथड इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ये बेसिकली कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी सिलेबस के लिए ये एक मॉडलिंग टूल होता है जो कंस्ट्रक्ट करता है स्टेटिस्टिकल मॉडल मतलब ये एक तरह से एक स्टेटिस्टिकल मॉडल है जहाँ पर आप स्टेटिक्स अप्लाई करके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेट ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड को प्रेडिक्ट करते हो करेंट अकाउंट बैलेंस है फॉर एक्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन ये हमारे एस सच काम का नहीं है इसलिए इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं किया है एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज एज सबस्टेंसिव टेस्ट जब एक ऑडिटर डिजाइन या परफॉर्म कर रहा होता है सबस्टेंसिव और एनालिटिकल प्रोसीजर इधर अलोन या कॉम्बिनेशन में विथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एज सब्सटेंसिव प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद एस ए थ्री थर्टी एस ए थ्री थर्टी क्या है रिस्पॉन्स टू असैड रोमम द ऑडिटर शेल ये डिज़ाइन और परफॉर्म करते वक्त ऑडिटर को क्या करना चाहिए द ऑडिटर शेल डिटरमाइन द दूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना सूटेबल या एनालिटिकल प्रोसीजर है दैट इज़ किस तरीके का आपने रोमम असेस किया है उसके बेसिस पे क्या सूटेबल होगा परफॉर्म करना वहाँ पे एस एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सैप या क्या इवेल्यूट रेलिएबिलिटी ऑफ डेटा अपना जो डेटा है वो कितना रेलिएबल है कितनी रेलेवेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कितना अच्छा कंट्रोल प्रप्रेशन पे जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतनी अच्छी रेलिएबिलिटी होगी डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन जो भी रिकॉर्डेड अमाउंट्स या रेशियोज़ हैं ना उसको ले कर एक अपनी एक्सपेक्टेशन बना लो और ये इवेल्यूट करो कि क्या ये एक्सपेक्टेशन सफिशियंट है टू आइडेंटिफाई विस स्टेटमेंट जो या तो अकेले या इन कॉम्बिनेशन में या इन एग्रीगेट जब उसको साथ में देखा जाए अदर में स्टेटमेंट्स के तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेट कर सकती है एंड डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस अब आपने सबसे पहले एक्सपेक्टेशन बनाई कि इतना एक्सपेक्टेड अमाउंट में डिफरेंस ये वो हो सकता है अब उसमें से ये डिटरमाइन करो कितना एक्सेप्टेबल डिफरेंस है जो हमने पढ़ा था ना टॉलरेबल लेवल ऑफ डेविएशन वही कि पहले अपनी एक्सपेक्टेशन बनाओ कितना वहाँ पे हमें मिस स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है अकाउंट्स में कैसे चेंजेस कैसे डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं है, फिर डिटरमाइन करो कि उसमें से एक्सेप्टेबल कितना है अभी हमने यहाँ पे जो चारों चीज़ें पढ़ी है सेम वही यहाँ पे लिखी है आपको बस एक बार पढ़ना है मैंने प्रॉपर जो भी यहाँ पर लिखा है एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन जैसे कि हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सैप पे कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कुछ असर्शन ऐसे होते हैं जिसमें सैप ज़्यादा यूजफुल होता है तो कुछ में कम होता है तो कब कुछ गिवन असरशंस पे कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर ज़्यादा सूटेबल होगा सैप जनरली मोर एप्लीकेबल होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे जो प्रेडिक्टेबल हो दैन क्या डेटा के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और वो कंटिन्यू करती है इन द एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशंस टू द कॉन्ट्रेरी जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर डिज़ाइन कर रहे होते हो प्लान कर रहे होते हो क्या बेसिस पे करते हो यही ना कि आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो रिलेशनशिप है अमाउंट डेटा वो एग्जिस्ट करती है वो कंटिन्यू करती है हाउ एवर एट लास्ट तो जो सूटेबिलिटी है एक पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर की वो इसी बात पर डिपेंड करेगी कि क्या ऑडिटर ने असेस किया है कि के, कितना अफेक्टिव होगा वो पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने पे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिस कर सकता है कुछ केसेस में ना एकदम अनसोफिस्टिकेटेड जो प्रेडिक्टिव मॉडल है वो भी इफेक्टिव होगा एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल दिया है जैसे कि एन के पास दो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है आपको पता है कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका फिक्स्ड रेट है तो आपके लिए ये पॉसिबल है ना कि आप एस्टिमेट कर पाओ कि टोटल पेरोल कॉस्ट कितना होगा जैसे सौ एम्प्लॉयज़ है उनका फिक्स रेट भी सौ है तो आपको पता है टोटल वो टेन के पे कर रहे हैं और की आपने ख़ुद कैलकुलेट किया तो इसमें हाइयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहेगी जिसकी वजह से आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा फॉर अ सिग्निफिकेंट आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इससे आपकी रिड्यूस हो जाएगी नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रडिक्शन ऑफ टोटल रेंटल इनकम ऑन अ बिल्डिंग डिवाइडेड इन टू अपार्टमेंट्स ज़्यादा इसी का होगा आप रेंटल रेट्स ले रहे हो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वैकेंसी रेट्स इन सबको को कंसिडर करते हुए जब इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन कर रहे हो तो आपके पास एक पर्सैसिव एविडेंस आएगा जो एलिमिनेट कर देगा आपकी नीड को फॉर फर्दर वेरीफिकेशन बाई मीन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स पर वहीं आप कैलकुलेट या कंपेयर कर रहे हो ग्रॉस मार्जिन मार्जिन परसेंटेज को जब आपको ये कंफर्म करना है कि क्या रेवेन्यू फिगर्स हैं पूरी रेवेन्यू देखने के लिए कि आप ग्रॉस मार्जिन देखोगे बस अब ऐसा करने से आपके पास लेस प्रसिव एविडेंस आएगा पर ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में परफॉर्म करो विद अदर ऑडिट प्रोसीजर्स कॉरोब्रेशन मतलब सपोर्टिव आपने कोई और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की फिर आपने ये भी चेक किया तो ये दोनों का एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट करेगा उसे बोलते हैं कॉरोबोशन डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सेप कंप्लीटली इन्फ्लुएंसड होता है बाय द नेचर ऑफ असरशन से कैसा असरशन है और ऑडिटर का असेसमेंट क्या है ऑफ़ रोमम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंट्रोल्स ओवर सेल्स ऑर्डर वीक है आपको ये दिख रहा है तो ऑडिटर अपना ज़्यादा रिलायंस प्लेस करेगा ऑन टेस्ट ऑफ़ डिटेल्स रेदर देन सैप क्योंकि उस असर्शन में ज़्यादा एप्लीकेबल टेस्ट ऑफ़ डिटेल्स होगा आप बस ये कर रहे हो कि आपको एक रिजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है ये आपका एश्योरेंस बकेट है पहले आपने रैप परफॉर्म किया फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म की फिर आपने सैप परफॉर्म किया और आपने अपना बकेट फुल किया आपने अपने आप को कम्प्लीटली एश्योर किया कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है कभी कभी कोई पर्टिकुलर सैप भी कंसिडर किया जाता है सूटेबल जब टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म किया जा रहा हो ऑन द सेम असरशन फॉर एग्जाम्पल जब आप ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर रहे हो रिगार्डिंग द वैल्यूएशन असरशन ऑफ़ अकाउंट्स रिसिवेबल बैलेंस तो so, यहाँ पे आप टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म कर सकते हो और आप एनालिटिकल प्रोसीजर सैप भी परफॉर्म कर सकते हो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप सबसिक्वेंट कैश रिसिप्ट देखोगे ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ कलेक्टिबिलिटी ऑफ द रिसवेबल्स और सैप में आप एजिंग देखोगे कस्टमर्स की कितने पुराने हैं कितने डेटर्स हैं जो बहुत पुराने हैं कुछ दो साल का डेट है कोई एक साल का ही डेट है कोई जस्ट थ्री मंथ्स पहले का है द रेलिएबिलिटी ऑफ डेटा डेटा की रेलबिलिटी क्या चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है कि कौन से सोर्स है और किस नेचर का है वो डेटा और पर्टिकुलरली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन से कम पे पर ऑप्टेन किया गया है जिसकी वजह से ये रेलेवेंट है ये जो चार पॉइंट्स है ये बहुत रेलेवेंट है जब आप डिटरमाइन कर रहे हो कि क्या डेटा रेलिएबल है फॉर पर्पज ऑफ डिज़ाइनिंग सेप तो इसे डायरेक्ट एक्सप्लेशन में पढ़ते हैं सबसे पहले तो कौन से सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इन्फॉमेसन ज़्यादा रेलेबल तो होगी जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स से आई है दैट इज़ आउटसाइड द एंटिटी फिर क्या उसकी कंपेरेबिलिटी है अब आप एक ब्रॉड इंडस्ट्री के डेटा को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट के साथ या एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट की मार्केटिंग उसकी इनकम के साथ क्या नेचर है कितना रेलेवेंस है वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बजट स्टैब्लिश किया वो बजट आपने क्या बेसिस पे किया जो आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके बेसिस पे या आपका जो गोल अचीव करना था उस बेसिस पे अब आप हर बार देख रहे हो एक ट्रेंड की टेन परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आप बजट में अपना ये सोचोगे कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना कि ये कि आपको तो सौ परसेंट इंक्रीज चाहिए तो आप यहाँ पे सौ परसेंट बना के बैठे हो तो कितना रेलिवेंट वो डेटा है कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो डिजाइन होते हैं टू इंश्योर एंश्योर एक्यूरेसी एक वैलिडिटी फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट ऑडिटर इस बात को भी कंसिडर करेगा कि वो टेस्ट करे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल जब जो कंट्रोल लगा है एन टी टी के प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे जिस इंफॉर्मेशन को ऑडिटर यूज़ कर रहा है इन परफॉर्मिंग सेप इन रेस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क और जब आपको ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की टेस्ट करने से ये समझ आता है कि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो ऑडिटर जनरली एक उसको एक ग्रेटर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है रेलिएबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे एंड देयर फॉर इंफॉमे जितनी रेलिएबल है उसका रिजल्ट भी उतना रेलिएबल होगा अब जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर नॉन फाइनेंशियल इंफॉमेसन है वो टेस्ट किया जाएगा इन कंजक्शन विद अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म किया जाएगा नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ डिटेल या सैप फॉर एग्जांपल जब आपको एस्टेब्लिश करना है कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स इन तब एंटिटी इंक्लूड कर सकती है कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ यूनिट सेल्स ऐसी सरकमस्टांसिस पे ऑडिटर टेस्ट करेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर द रिकॉर्डिंग ऑफ यूनिट सेल्स इन कंजक्शन विद टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग ऑफ सेल इन मतलब आप सेल इन तो चेक करोगे ही साथ में आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करोगे अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इंफॉमेसन है क्या वो आपके ऑडिट में यूज़ होने वाली है या नहीं ऐसे पाँच सौ जो ऑडिट एविडेंस के बारे में बताता है वो ये भी इस्टेब्लिश करता है रिक्वायरमेंट्स क्या है और गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे डिटरमाइन करें ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करने हैं हमें ऑन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज दिस सबस्टेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर अब सफिशियंट है या नहीं ये देखने के बाद हमें क्या देखना था हमें अपनी एक्सपेक्टेशन बनानी थी एक डिटरमाइन करनी थी एक्सपेक्टेशन तो क्या आपको अब आप इवेल्यूएट कर लें कि वैदर जो आपने एक्सपेक्टेशन बनाई है वो सफिशियंटली प्रिसाइज है या नहीं या ऐसे टाइम पास में कुछ भी सोच के आपने बोला चलो ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं अब ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो ये इस इवेल्यूएशन के लिए रेलिवेंट होंगे सबसे पहले तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कितनी एक्यूरेसी के साथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सैप किए जा सकते हैं अब आप रिसर्च और एडवर्टाइजिंग हर साल हर एक पॉइंट पे एकदम फिक्स नहीं करते हो इस साल एक लाख की अगले साल दो लाख की तीसरे साल आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो क्या ये आपके लिए अभी सही इन्फॉर्मेशन हो या यहाँ पे आपको से परफॉर्म करोगे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा अरे कनेक्शन रिलेशनशिप तो होना चाहिए इस साल के इस एक्सपेंस और पिछले साल के इस एक्सपेंस पे वही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिस को कंपेयर करना हो तो वहाँ पे ग्रेटर कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी देन द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसग्रीगेट अब ऑब्वियस ही बात है मैं आपको बैलेंस शीट दे दूँगा और मैं बोलूँ चलो अब करो सेफ़ॉर्म आप एक भी इंडिविजुअल आइटम नहीं उठा सकते बस मैं ऐसे बता रही हूँ बैलेंस शीट का इधर का टोटल इतना है और ये टोटल मतलब टोटल मैच होता है मैंने बोला टेन लैग है चलो करो परफॉर्म कर सकते हो नहीं अब वही मैं बताऊँ इस टेन लैग में कैपिटल इतना है डेट इतनी है करेंट लाइबिलिटी इतनी है फिर एसेट भी बताऊँ तब ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे परफॉर्म से आप और ज़्यादा अच्छे से अपनी एक्सपेक्टेशन बना के रख पाओगे कि क्या लगता है क्या हो सकता है सो अवर सेकेंड पॉइंट इज द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसग्रीगेटेड दैन द अवेलेबलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है तो परफॉर्म क्या में करोगे अब आप कंपेयर कैसे करोगे एक्चुअल डेटा को बजटेड डेटा से बजट होना भी तो चाहिए फोरकास्ट जो किया है आपने वो आपके पास प्रजेंट होना भी तो चाहिए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सजेस्ट कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस किए सोल्ड किए यह सब अवेलेबल होगा तब तो सेप परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले कितनी एक्यूरेसी के साथ एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ऑफ सेप प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं क्या डिग्री है जिसपे इंफॉर्मेशन डिसग्रिएट की जा सकती है क्या अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की बहुत फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल और जब हमने एक, एक एक्सपेक्टेशन बना ली अब उस एक्सपेक्टेशन में से एक्सेप्टेबल कितना है नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था अब जब ऑडिटर ये डिटरमाइन करता है कि जो भी अमाउंट ऑफ डिफरेंस होगा जिसपे जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें से कितना अमाउंट एक्सेप्टेबल होगा ये इन्फ्लुएंस होता है बाय मटेरियलिटी एंड द कंसिस्टेंसी विथ बिस डिज़ायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है ये इन्फ्लुएंस होता है क्या मटेरियलिटी लेवल है उससे और कितना कंसिस्टेंट हमारा डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस है उससे बाई टेकिंग अकाउंट ऑफ द प्रो पॉसिबिलिटी दैट अ मिस स्टेटमेंट इंडिविजल हो या एग्रीगेट में हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिस कर सकते हैं ऑब्वियसली ये तो कंसिडर करोगे ही इसी के बेसिस पर तो मटेरियलिटी डिफाइन होती है अब ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत ज़्यादा परसिव एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं जब आपका असेसमेंट ऑफ रोमम हाई होता है दैट इज जैसे ही आपका असैस रिस्क बढ़ता है आपका एक्सेप्टेबल लेवल घटने लगता है विच इज स्प्रेडिंग ऑफ आपको रोमंग की चांसेस ज़्यादा दिख रही है तो आप अपनी मटेरियलिटी लेवल घटाओगे ना एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर अगर आपको ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त किसी भी तरह की डिफरेंसेस दिख रही है देन द ऑडिटर शेल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंसेज बाय सबसे पहले आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे और ऑप्टेन करोगे एक अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो रेलिवेंट होगी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स है अब ये कैसे होगा ऑडिट एविडेंस रेलेवेंस रेलेवेंट कैसे होगी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स से तो आप उनके रिस्पॉन्स को इवेल्यूएट करोगे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली एन टी की या उसके एनवायरमेंट की और जो भी आपने अदर ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किए हैं उन सब के बेसिस पे आपका एविडेंस इस डायरेक्शन में जा रहा है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स इस डायरेक्शन में क्या वो रेलिवेंट होगा नहीं बट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो रेलिवेंट होगा यस yes. परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इज नेसरी इन द सर्कमस्टांसिस अब जब मैनेजमेंट आपको एक सही एक्सप्लेसन नहीं दे पाएगी तो आपकी नीडराइज हो जाएगी वहाँ पर टू परफॉर्म अदर ऑर्डिट प्रोसीजर्स या उसने एक्सप्लेन तो दी है बट आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑफ टीन की है वो रेलिवेंट नहीं है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स के साथ तब हम अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर जो असिस्ट करती है वेन फॉर्मिंग इन ओवरऑल कंक्लूजन हमने प्लानिंग फेज पढ़ लिया टेस्टिंग फेज पढ़ लिया नाउ दिस इज कॉन्क्लूजन फेज आप एक ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं करते हो अलग अलग परफॉर्म करते हो जो कॉन्क्लूजन आपको ऑडिट के क्या बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स की रिजल्ट से आती है वो होनी चाहिए चाहिएट दैट इज़ वो कॉरोबोरेट करनी चाहिए उन कंक्लूजन को जो फॉर्म की गई है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट इज इंडिविजुअल कंपोनेंट की ऑडिट करके जो एविडेंस आई है और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके जो एविडेंस आई है वो दोनों एक दूसरे को कारोबोरेट करनी चाहिए जिससे ऑडिटर को हेल्प मिलती है इन ड्राइंग अ रिजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस्ड ऑडिटर्स ओपिनियन क्योंकि हो सकता है जब आप इंडिविजुअली चेक कर रहे थे तब तो आपको कुछ नहीं मिला बट जो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिजल्ट है वो हेल्प कर सकती है आपकी इन आइडेंटिफाइंग अ प्रीवियसली अन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो पहले रिकोगनाइज नहीं हो पाई थी अब वो रिकोगनाइज हो जाएगी और ऐसे सर्कमस्टांसिस पे ऐसे तीन सौ पंद्रह रिक्वायर करता है ऑडिटर को टू रिवाइज द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम एंड मॉडिफाई द फ्यूचर प्लैंड ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली एंड हियर वी आर डन विद अवर चैप्टर फोर ये सब क्वेश्चन के स्टडीज सॉल्व करके देखना इनके केस कोई डाउट हो यू कैन आस्क थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट